Hello and welcome. You're watching Jab We Met. We're in Nagpur today and we're going on a metro ride with Nagpur's favorite boy, BJP's former past president, Union Transport Minister, Nitin Gadkari. Thank you. Gadkari ji, welcome to Jab We Met. Thank you. This is your new metro. Yes. The pride of Nagpur. You've made it in record time. Yes. Kitna time laga banane mein? It's one of the best metro in the country now. 65% power we are using is solar power. And we have one of the station is of 20 floor. And the way in which the design by the French architects, it is one of the important thing for all of us. That is one of the best metro in the country now. Ispe kaam kab start hua? 2015 mein chalu ho gaya. Aapne isko 3 saal mein ready kar diya? Haan, yes. Thank you. Kyunki pichle 5 saal mein jo aapki ek khasiyat rahi hai wo ye ki aapne urban projects ko bahut speed se pura kiya hai. Yes. Jis speed se aap implement karte ho, execute karte ho, वो बाकियों से ज़्यादा है, ऐसा कैसे? मैं पीछे लगता हूँ. Actually, when I was minister in Mumbai, महाराष्ट्र, मैंने एक छोटा सा ये किया था कि जो 55 फ्लाईओवर बने, जो एक दिन पहले बनाएगा, उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा, और एक दिन लेट करेगा, उसको 1.5 लाख रुपए फाइन होगा. तो हमारे यहाँ बोनस मिलता है. तो नेचुरली वर्क कल्चर बदल गया. ये सारे आपके वोटर भी हैं, इन्हीं सबका वोट भी चाहिए आपको? यस यस, थैंक यू. ऐसा तो नहीं है कि बाकी मिनिस्टर्स, बाकी लोग आप पे आरोप लगाए कि चूंकि आप नागपुर से, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सारे यहीं पे आ रहे हैं? हमने ने कभी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया. मैंने पूरे देश में हर जगह काम किया. आप देखिए, जम्मू कश्मीर में जम्मू टू श्रीनगर की टनल 9.5 किलोमीटर की बेस्ट सेट ऑफ आर्ट वहाँ बनी. अरुणाचल में कितने बड़े बड़े ब्रिज बने. हाँ, निकाल बहुत रश है यार. नमस्कार नमस्कार, थैंक यू मैम. आप लोग निकलते हैं मेट्रो में कि कम निकलते हैं? ये पहली बार आए. पहली बार आ रहे हैं आप? मेट्रो के चक्कर में नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफी आ रहे हैं. 1 करोड़ स्क्वायर फीट तो केवल मेट्रो डेवलप कर रही है. जो रेलवे का लैंड है और जो सरकारी लैंड है वहाँ पे अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, आपका क्या सोल्यूशन है उसका? नहीं, हमने क्या किया, उनको पर्याय वहाँ बनाएंगे, पर्याय जगह में उनको सस्ते में देंगे और बाकी जगह कमर्शियली बेचेंगे. कई लोग छोड़ना नहीं चाहते ना, उनको तैयार है. हमारे लैंड में सरकार अभी मैं 6 रोड यहाँ बड़े बना रहा हूँ, कम से कम 700 करोड़ लैंड एक्विजिशन पे खर्चा कर रहा हूँ. सब ने मदद किया. कई लोग मानते हैं कि जब तक इंडिया में लैंड एक्विजिशन लॉज को सरल नहीं किया जाएगा तब तक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को पंप करना मुश्किल है. देखिए, हम इतने अच्छे रेट दे रहे हैं कि अब लोग मेरे पास हमारी लैंड एक्वायर करो, घर एक्वायर करो करके आते हैं. हमारा लेव मत करके नहीं आते. ये सब कॉन्क्रीट रोड बन रहे. देखो, पूरे शहर में करीब 350 किलोमीटर कॉन्क्रीट रोड बन रहे. कॉन्क्रीट रोड में और नॉर्मल रोड में कितना एक्स्ट्रा कॉन्क्रीट रोड चलता है? 200 साल की गारंटी. और कॉस्ट में कितना फर्क है दोनों के? 12 से 15% बढ़ता है. तो हर जगह हम लोग कॉन्क्रीट रोड, पूरे देश में कॉन्क्रीट रोड. मैं देश का 40% सीमेंट जितना बनता है वो हमारा डिपार्टमेंट कंज्यूम कर रहा है. आपके पिछले 5 साल के काम में कौन सी वो एक प्रोजेक्ट है या वो एक चीज जो आपने की जिसको देख के आपको सबसे ज्यादा गर्व होगा? गंगा का प्रोजेक्ट जो है, अविरल निर्मल गंगा का, मुझे लगा नहीं था 26 हज़ार करोड़ के हम उसमें काम कर रहे हैं. 30% ही काम हुए और गंगा पर नहीं, यमुना पर कर रहे हैं. मैंने इसी हफ्ते पढ़ा, IIT के एक प्रोफेसर हैं, वो संत भी हैं, उनकी रिपोर्ट आई. वो कह रहा है कि गंगा का पानी तो पहले से और गंदा हो गया है. सर ये देखिए, ये है संकट मोचन फाउंडेशन SMF की रिपोर्ट. कहती है कि 20,000 करोड़ रुपए आपने नमोमी गंगे प्रोजेक्ट पे खर्च किए, उसके बावजूद भी गंगा में जो निर्मलता है, क्लीनलीनेस, वो पहले के मामले में खराब हो गया. पूरा पानी साफ नहीं हुआ है, पर पिछली तुलना में कई गुना ज़्यादा. आप किसी साधु संतों को पूछो, जो स्नान किया उनको पूछो, वो आपको कॉमन मैन बताएगा. पर मैं आपको ये भी मैं मानता हूँ कि अभी काम पूरा नहीं हुआ. हमने 5,000 करोड़ आपने बोला था कि अगले मार्च तक क्लियर हो जाएगा गंगा का पानी. फिर किसी ने मेरे को वीडियो निकाल के भेजा, आप ही का, मेरा ही इंटरव्यू था जिसमें आप बोल रहे थे मार्च 2019 तक बहुत काम हो जाएगा. 19 तक जो काम हुआ है यह अधूरा काम है और इसलिए पूरा साफ नहीं हुआ. पर अधूरे काम में मुझे बताओ, कानपुर में जो सबसे गंदा नाला था, 120 MLD हमने डाइवर्ट कर दिया. अब कहाँ जाता है पानी? वो रिसाइकलिंग करके साफ करके फिर आता है. सब प्रोजेक्ट पर काम शुरू है और अभी प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं. और ये 20,000 करोड़ बोलता है खर्चा किया, हमने तो 6,000 करोड़ किए हैं. नहीं, वो कह रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ओवरऑल. 26,000 करोड़. आपके हिसाब से गंगा जी कब तक साफ होंगे? मेरे हिसाब से अगले मार्च तक हो जाएंगे. 100% मार्च तो अब दूर नहीं है. हाँ बिल्कुल, रात दिन हम काम कर रहे हैं.
अब आपको मतलब वो गंगा में जो लीन पीरियड होता है, जैसे फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई जून, ये चार महीने हम स्पेशल पानी छोड़ेंगे ताकि आपको हर जगह पर गंगा में साधारण, वो तो एक मीटर बोल रहे हैं पर मेरे हिसाब से 2-2.5 फीट का ड्राफ्ट हम मेंटेन करेंगे। अभी तो कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी ये प्रयागराज से पानी में जा रही है, मैंने दिल्ली से प्रयागराज तक, ये दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा होकर प्रयागराज 12,000 करोड़ का DPR बना लिया है, वो वर्ल्ड बैंक को दे रहा हूँ और ये 5,500 करोड़ वर्ल्ड बैंक में ये काम भी पूरा हुआ है। तो दिल्ली से आप बांग्लादेश जा सकोगे पानी पर, वो दिन अब दूर नहीं है। दिल्ली से बांग्लादेश पानी में? हाँ सर, ऐसा लगता नहीं है कि ये होगा हमारी। ये राहुल बताओ, मैंने जो बात कही जो हुई नहीं ऐसी बताओ, जो बोलूंगा वो बिल्कुल डंके की चोट पर करके दे। तो कब से दिल्ली से बांग्लादेश आदमी जा सकता है पानी के लिए? ऐसा है कि दिल्ली से प्रयागराज यमुना से जाने के लिए इसको 12,000 करोड़ का खर्चा, अब वो प्रोजेक्ट मैंने वर्ल्ड बैंक के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजा, वहाँ से मंजूर होकर कैबिनेट का अप्रूवल मिलके ये भी चालू करेंगे, रिवर पोर्ट बनेंगे, लोग विदेशों से आएंगे एयरपोर्ट पे उतरेंगे, यमुना फ्रंट जाएंगे, वहाँ से गंदा है सर, वहाँ अभी गंदा है, गंदा है, अभी गंदा है, पर 13 प्रोजेक्ट चल रहे दिल्ली में राज्य सरकार के साथ मेरे, 4,500 करोड़ पानी शुद्ध हो जाएगा।